नसीब शाह मैं आपके साथ खेलने वाली हूँ रैपिड फायर का, ठीक है? आर यू रेडी? पहले सवाल मैं आपसे करूंगी कि इनमें से बेहतरीन स्टाइलिश बैट्समैन कौन सा है, ब्रायन लारा, आमिर सुहेल, फवाद आलम? ये आपके जमाने के पूछ रहे हैं, ये तो इनके तो मैंने बैटिंग देखी नहीं। देखिए कितना सेफ मैंने आपको रखा है, आपको मैंने मुश्किल में नहीं डाला। ये मुश्किल में ही है ना, इनकी मैंने इनके जमाने के मैचेस तो मैंने देखे। स्टाइलिश, तीनों स्टाइलिश है। तीन एक चूज करना है, फवाद आलम, आमिर सुहेल, ब्रायन लारा। लारा। ठीक है, किस बॉलर की सेलिब्रेशन सबसे अच्छी है, हसन अली, हारिस रऊफ, शाहनवाज धानी? किस बॉलर की? यार तीनों के अपनी जगह सही है। अब इतना पॉलिटिकल आंसर नहीं दे दे, कोई बात सेलिब्रेशन ही है ना, आप एंजॉय करें। तीनों अपनी जगह अच्छे है ना, मेरा ये कह सकता हूँ कि मुझे सेलिब्रेशन खुद में करता नहीं हूँ इतना ज्यादा, बस समटाइम होता है कि बहुत ज्यादा मुझे अगर गुस्सा आता है, अदरवाइज गुस्सा तो भी कम आता है और मैं विकेट लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो अब मेरे से पूछ रहे कौन सा सेलिब्रेशन अच्छा लगता है, तो मैं ये नहीं कह सकता। अच्छा, कौन सी टीम सबसे मुश्किल हरीफ है, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? तीनों स्ट्रॉन्ग है, तीनों स्ट्रॉन्ग है, अच्छी टीम्स है। अब इनमें से एक चूज करना ये तो आप बहुत ही यू नो मुश्किल कर रहे हैं। क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर ना होता तो किसी के साथ शॉप में काम कर रहा होता, और कोई टैलेंट नहीं मेरे अंदर लाइक, या तो कोई हिडन टैलेंट? यार सच बताऊं कोई टैलेंट नहीं था मेरे अंदर, बस या तो वेला होता या नहीं। नहीं ये क्या होता है, बाथरूम होता ना जो बस सिर्फ अपने लिए ही गाते हैं? नहीं मैं अपने लिए नहीं गाता हूँ, बस क्रिकेटर ना होता तो शायद बस वेला ही होता या कोई काम शाम कर रहा होता कुछ, आई डोंट नो अल्लाह को पता। किस बैट्समैन को आउट करना मुश्किल लगता है? डिपेंड करता है यार, अगर अल्लाह चाहे तो कहीं भी आउट हो सकता है, पर कुछ बैट्समैन होते हैं हाँ, कि ये जो बिल्कुल आउट करना तो डिफरेंट होता है। टेस्ट में विलियमसन, अच्छा विलियमसन टेस्ट में उसको आउट करना आसान नहीं है। शादाब खान की कौन सी खूबी सबसे ज्यादा पसंद है? यार एक खूबी तो उसके अंदर तो बहुत अच्छी खूबी है, लेकिन एक मैं यही कहूंगा कि ही इज केयरिंग एंड ही इज वेरी हम्बल। शादी पाकिस्तानी लड़की से करेंगे या किसी गैर मुल्की, क्योंकि बहुत से क्रिकेटर्स ने बाहर भी शादियां की है ना? मुझे नहीं पता है। अच्छा। मुझसे मत पूछो ना। अच्छा। ये मेरे अब्बू को पता होगा और अल्लाह को पता होगा कहाँ होना, आई डोंट नो। अरेंज मैरिज ही होगी। ठीक है, उमर अकमल, अहमद शहजाद, इमरान नजीर में से कौन सबसे अच्छा खेल लेता है? सबसे अच्छा खेल लेता है, तीनों अच्छा खेल लेते हैं। नहीं भाई एक चूज करें ना, सारे में यहाँ पे एक ही खेले जा रहे हैं, इतना पॉलिटिकल नहीं होना। आप मेरी बात सुने ना, कि आप मेरे से पूछेंगे कि तीनों भाई में से सबसे अच्छा कौन है, मेरे भाइयों में पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा वो अच्छा है, अगर तीनों अच्छे फिर क्या करूंगा आप मुझे बताएं। अच्छा ठीक है जी, कौन सा खिलाड़ी अपने आप को सबसे खूबसूरत समझता है? कौन सा खिलाड़ी अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत समझता है, हैंडसम समझता है? सबसे ज्यादा हैंडसम या अपनी लुक्स के बारे में बड़ा पर्टिकुलर है, चलें और आसान कर देते हैं। यार ऐसा कोई अभी तक नोट मैंने नहीं किया, पर आई डोंट नो, सेम नहीं आ रहा। ओके, शाहनवाज धानी को नया निकनेम देंगे तो क्या देंगे? एक्टर। एक्टर एक्टर ओके। कौन सी भाभी सबसे अच्छी है, सानिया मिर्जा, सामिया आरजू या शनेरा अकरम? यार अब ये क्या सवाल है, लाइक भाभिया सब भाभिया फेवरेट भाभी फेवरेट मेरे, ये क्रिकेट में कोई करे आप पूछे फेवरेट कौन है, सब कौन सा ऑलराउंडर नंबर वन है, शादाब खान, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी? आप गूगल में देख ले, गूगल में देख ले, आपके लिए कहने से कुछ नहीं होना ना, आप सवाल ऐसे कर रहे हैं आपके लिए। देखिए अच्छा ये दिस इज नंबर वन कौन है ना, जैसे मुझे पता है कि अच्छा मेरा फेवरेट ये है, रैंकिंग के हिसाब से, रैंकिंग नहीं अपने दिल के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से आपके लिए। फिर आपने सेम सवाल किया ना, आप शाहिद अफरीदी, शादाब खान और तीसरा कौन था, वसीम अकरम। सवाल ये आप ऐसा कर रहे हैं कि इसमें से एक चूज करना वो पॉसिबल ही नहीं है, तीनों बेस्ट है। सबसे गुसीला फास्ट बॉलर कौन है, हारिस रऊफ, शाहिन शाह, हसन अली? अब ये तो आसान, शाहिन शाह। अच्छा किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को एक्टर कहते हैं, वो आपने मेरे ख्याल से कह दिया है शायद। वो तो ऑलरेडी कह दिया। राइट, ग्राउंड में सबसे ज्यादा स्लेजिंग कौन सा खिलाड़ी करता है? स्लेजिंग मतलब के कौन सबसे ज्यादा गुस्सा करता है या एग्रेसिव होता है पिच पे? पिच के अंदर एग्रेसिव कौन होता है ग्राउंड में?
डिफरेंट अब है, अब क्या बताऊँ, सब डिपेंड करता है ना, किसी को भी गुस्सा आ जाता है अचानक से, लेकिन कोई ऐसा एक नहीं है जिसको आप नोट करो कि यही है, लेकिन समटाइम कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, गुस्सा इंसान को आता है। कौन सा कप्तान आपका फेवरेट है, कैप्टन? कौन सा कप्तान मेरा फेवरेट है, मतलब कौन सा कप्तान किस में? आपकी क्रिकेट टीम में थ्रू आउट कोई कैप्टन जो आपका एज ए अच्छा कैप्टन रहा है, आपका फेवरेट? यार अभी तक मैं जितना खेला हूँ, जितने भी कप्तान रहे हैं, सब अच्छे रहे। हमारा काम होता है कप्तान बॉल देता है। आपने सब सब अच्छे हैं, सब ये यार देखे नो डाउट ये हमारे मैं कौन हूँ आप मुझसे बता रहे हैं कि मैं ये चूज करूँ कि कौन अच्छा है, लेजेंड और ये सबके फेवरेट हैं, लेकिन होता है ना कि एक अपने पर्सनल। चले ठीक है आगे चलते हैं। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिस कप्तान के साथ भी मैं खेला हूँ, कप्तान का काम होता है आपको बॉल देना और आपने प्लान फॉलो करना होता है, तो आप ये आप मुझे बसा रहे हैं कि आपका कप्तान कौन सा फेवरेट है। ठीक है, सेल्फी बनाने का शौक किस प्लेयर को सबसे ज्यादा है? शाहनवाज दानी। ओके, आप पर कोई फिल्म या ड्रामा बने तो उसका नाम क्या होना चाहिए? मिस्ट्री। मिस्ट्री, ओके इंटरेस्टिंग। इंजी भाई, विकी भाई, रजी भाई, नसीम शाह का निकनेम क्या है? उनका क्या है? उनके तो ये नाम है ना, तो अच्छा, नसीम शाह का निकनेम का है, क्या है? यार मेरा निकनेम ज्यादा लोग नेस कहते हैं, गोरे हैं, और पाकिस्तान कुछ भी कहते हैं। जैसे कि यार जैसे कि अजीब अजीब से नाम लेते हैं, अब कौन कौन सा बताने के सम टाइम लाइक नहीं होते नाम। कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा खुशामदी है? खुशामदी मतलब खुश रहता है या नहीं, जो कि बहुत बटरिंग करता हो, बहुत ज्यादा मक्खन लगाता हो? बहुत ज्यादा मक्खन लगाता हो। किसको मक्खन लगाता हो? किसी को भी टीम में। यार मक्खन कोई नहीं लगाता। आपको कौन ज्यादा मक्खन लगाता? लेट्स डू दैट। मुझे यार मुझे किसने मक्खन लगाना है? ओके, क्रिकेट में किसे गुरु मानते हैं? मुदस्सिर नजर साहब। राइट, फिल्म में ऑफर हो तो काम करेंगे आफ्टर रिटायर? अभी नहीं। खवातीन क्रिकेट टीम में आपको कौन सी प्लेयर दी बेस्ट लगती है? टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी जिंदगी में खवातीन का मैच नहीं देखा। अनुन क्यों नहीं देखा, लेकिन जब भी जीतते हैं या तो उनको खुशी होती है पर ये कभी देखा नहीं है मैच। अच्छा, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड कौन सी फिल्में अच्छी लगती हैं? मूवीज देखते हैं? तमिल मूवी देखता हूँ। क्रिकेट में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? यार क्रिकेट में बेस्ट फ्रेंड देखो दोस्तों सारे हैं, पर जिसके साथ मैं ज्यादातर रहता हूँ और हम खाना भी साथ खाते हैं जब भी हमारा टूर होता है, वसीम जूनियर। अच्छा, और हम साथ ही आते जाते हैं तो वही कह सकते हैं। अच्छा, फेवरेट कोई सॉन्ग आपका? सॉन्ग कोई फेवरेट नहीं है, कोई सुनते हैं और ना सॉन्ग को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, बस एट ए टाइम किसी ने भी लगाया तो कुछ भी हो बस सुन लिया तो सुन लिया, वरना ऐसा नहीं है कि खास तो स्पेशल कि मैंने लगाया हो कि सुनने और समझ। ड्रेसिंग रूम में सबसे शरारती कौन होता है? इमामुल हक। अच्छा, बहुत शरारती करते हैं? बहुत, मतलब नेक्स्ट लेवल के। अच्छा, और ग्राउंड पे कौन सबसे ज्यादा मतलब खुश रहता है, मतलब जो भी सिचुएशन है काम रहता है, इजी रहता है? मोहम्मद नवाज। अच्छा, प्रेशर नहीं लेते? प्रेशर आई डोंट नो लेते, लेकिन फील नहीं कराता वो बिल्कुल, यू नो जैसे आप कह लो कि सुन कह सकते हो कि बस अपने अपनी दुनिया में रहता है। अच्छा, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, शौक है? मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया और ना शौक है, और समटाइम मुझे पता भी नहीं होता, लोग मुझे भेजते हैं कि आपकी बर्थडे आ रही है। अच्छा जी, मुझे बिल्कुल शौक नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली में कभी कभी हमने बर्थडे वगैरह मनाई नहीं है, तो इसलिए अभी आइडिया नहीं है कि बर्थडे किस डेट को है, क्या है, लोग की तैयारियां वगैरह करनी है, हमें नहीं इतना शौक। अगर कहा जाए कि नसीम शाह अपने आप को आगे 10 साल में कहां देखना चाहेंगे तो व्हाट वुड बी योर आंसर? इतना लंबा मैं नहीं सोचता, रोजाना ये कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा करना है, कोई अच्छा काम करना है, हार्डवर्क करनी है, और 10 साल तो पता नहीं जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक जिंदगी है, जब तक सुबह उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने नया दिन दिया, और दोबारा से कोशिश करते कुछ नया सीखने के और कुछ और बेहतर करने के, तो बस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर को हैंडल करना, प्रेशर तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको प्रेशर नहीं आता होगा, लेकिन हैंडलिंग करने के डिफरेंट तरीके हैं,
और जो मैं करता हूँ अल्लाह को पता है कैसे करता हूँ, और क्योंकि मेरा अल्लाह पे बिलीव है। अच्छा। अपने जितने अपने हार्डवर्क की होती है उस पर आपको बिलीव होता है, और अल्लाह नाम अल्लाह का नाम लेके रस्से के अंदर जाते हैं और फिर यही सोचते हैं कि जितनी मेहनत की है और जितना अल्लाह ने दिमाग दिया उतना अकेले उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हूँ। तो यही चीज आपको प्रेशर में थोड़ा सा हेल्प करते हैं कि अल्लाह ने जो आपसे कराना है वो करना है, जो जितने हमने मेहनत की उतना आपको सिला मिलना है। तो इस चीज पे काफी बिलीव है। कंट्रोवर्सीज को कैसे हैंडल करते हैं, बाज़ा ऐसा कुछ हो जाता है तो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं, अगर कोई ऐसी क्रिएट भी हो जाए तो क्या रिएक्शन होता है आपका? यार अभी तक अल्लाह ने खैर किया और आगे देखेंगे अल्लाह खैर करेगा। अच्छा नसीम शाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इट वाज गुड टू हैव इट, इतनी अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत मजे की रही है।